तो हेलो गाइस, आज हमारे पास है टोयोटा ग्लांजा। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में रिव्यू करेंगे कि इस पे आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। तो चले गए, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको इसका की दिखाना चाहता हूँ। तो इस पे आपको ऐसा की मिलता है जहाँ पे आपको लॉक और अनलॉक का दो बटन्स मिलते हैं, और पीछे आपको जो है टोयोटा का लोगो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका फ्रंट का जो लुक है वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रोजेक्टर सेटअप, यहाँ पे आपको DRL और यह है इसकी इंडिकेटर की प्लेसमेंट, और नीचे जो है आपको यहाँ पे फॉग लैंप की प्लेसमेंट भी आपको देखने को मिल जाती है, और यह है इसका टोयोटा का लोगो। और जो है ये गाड़ी सुजुकी पलेनो की प्लेटफॉर्म पर ही बनी है, लेकिन जो है टोयोटा की बैजिंग से ये ग्लांजा कर दी गई है। तो सामने की जो पूरा लुक है वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। तो साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसकी जो ओवरऑल डायमेंशन है वो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपको जो है डायमंड कट एरो व्हील देखने को मिलता है। अगर टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 इंचेस की टायर मिलती है, जहाँ पे आपको सामने की तरफ डिस्क ब्रेक और पीछे जो है आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाता है। अगर बैक प्रोफाइल की बात करें तो पीछे का जो पूरा लुक है वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है टोयोटा का लोगो, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई स्टॉप लैंप जैसे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी प्लेसमेंट आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो एक बार बूट ओपन करके हम लोग देख लेते हैं कि इस पे आपको कैसा फीचर्स मिलता है। और यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जो बूट स्पेस है वो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा बूट स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बहुत ही एनफ आपको यहाँ पे लगेज आप स्टोर कर सकते हो। तो अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। तो अंदर से बात करते हैं कि आपको कैसा कुछ फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो अगर रियर डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश के साथ आपको डोर ओपनर यहाँ पे आपको मिलता है, पावर विंडो कंट्रोल, यहाँ पे आपको फैब्रिक फिनिश के साथ आप लोग यहाँ पे आर्मरेस्ट बोल सकते हो, और यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। ये है इसकी बॉटल होल्डर, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोई भी मैगजीन स्पेस वगैरह हो गया वो आपको देखने को नहीं मिलता। और इसकी जो रियर सीट की प्रोफाइल है वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और पार्सल ट्रे की बात तो मैंने आपको कर ही थी। तो अंदर बैठ के बात करते हैं। तो अंदर से इसका जो है पूरे स्पेस आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। मेरा हाइट है 5 फीट 11 इंच, तो उसके हिसाब से जो है इसका स्पेस आप लोग चेक कर सकते हो। आपको डिसेंट स्पेस आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आप लोग आराम से 3 लोग आप लोग बैठा सकते हो। तो यहाँ पे मिल जाते हैं ये ग्रैब हैंडल्स। तो अब अंदर जाके बात करते हैं आगे की सीट की तरफ। तो पूरा डैशबोर्ड का लुक आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। तो अब आगे जाके बात करते हैं कि आपको कैसा कुछ फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। और आपको जो है ड्राइवर साइड पर रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। इसकी जो सामने की डोर की लुक है वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है ORVM कंट्रोल, जो कि यहीं से आप लोग फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हो, और यहीं से आप लोग इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। और यह है इसके सारे पावर विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत स्पेस, और अगेन यहाँ पे आपको थोड़ी फैब्रिक फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि एक ड्यूअल टोन लुक प्रोवाइड करती है डोर को। और इसकी जो सामने की सीट है वो आपको 6-way मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग हाइट एडजस्ट भी कर सकते हो। तो पहले कर लेते हैं सीट को फुल पीछे। तो अंदर से बात करते हैं कि आपको कैसा फीचर्स आपको टोयोटा ग्लांजा प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। तो आपको मैं पहले इसका एनिमेशन दिखा देता हूँ। तो वेलकम फंक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता, तो इसका एनिमेशन आपको दिख गया होगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है टैकोमीटर, यहाँ पे स्पीडोमीटर, बीच पे आपको MID, जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि अभी ये डोर खुला है तो यहाँ पे भी आपको वार्निंग जो है वो आपको मिल जाती है। नीचे आपको सारे रेंज हो गया या फिर इंजन टेम्परेचर हो गया, तो वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी अभी ये शो कर रही है। तो इसकी जो स्टेयरिंग की कंट्रोल्स है वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है सारे मीडिया, आपको मिल जाता है सारे मीडिया कंट्रोल्स, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे मिल जाता है सारे आपको वाइपर कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको हेडलाइट कंट्रोल्स पे जो है आपको एक टच स्क्रीन भी देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे आपको हजार्ड लैम्प, और यह है इसका फुल्ली ऑटोमेटिक AC। उसी के नीचे आपको मिल जाता है थोड़ी बहुत स्पेस, जहाँ पे आप लोग मोबाइल वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स भी देखने को मिल जाता है, और यह है इसका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर इसकी रियर कैमरा की बात करें तो वो भी मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। तो इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो आप लोग चेक कर सकते हो। और यहाँ पे जो है आपको एडाप्टिव गाइडलाइन आपको देखने को नहीं मिलता, तो वो एक डिसअपॉइंटिंग बात ज़रूर से हो सकता है किसी किसी के लिए। यहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आप लोग की वगैरह हो गया वो आप लोग यहाँ कैसे आप लोग रख सकते हो। और यह है इसका हैंड ब्रेक, और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है, और उसी के नीचे जो है आपको स्पेस आपको थोड़ी बहुत स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप लोग की वगैरह ही आप लोग रख सकते हो। यहाँ पे आपको मोबाइल फिट नहीं होगा, और यहाँ पे आप कोई किसी भी तरह का
चार्जिंग स्टॉपर हो गया वो आपको देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिलता है। अगर सनब्लाइंड्स की बात करें तो ड्राइवर साइड पे आपको एक ग्लास मिलता है लाइट के साथ, और को ड्राइवर साइड पे भी आपको जो है ग्लास मिल जाता है लाइट के साथ। बीच पे आपको मिल जाता है सेंट्रल लाइट, यहाँ पे आपको माइक मिल जाएगी, और यहाँ पे भी पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी लाइट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो अगर ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको डिसेंट स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल टोयोटा ग्लांजा दिखने में कैसी है या फिर यहाँ पे आपको कैसा कुछ फीचर्स मिलता है तो उसके बारे में आपको जरूर से पता चल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।